आज हमारा टॉपिक है गुलेनबेरी सिंड्रोम. सो नाउ गुलेनबेरी सिंड्रोम इज़ अ वेरी रेयर डिसऑर्डर्स दैट डज नॉट अकर टू पीपल मोस्ट ऑफन. ओके, बहुत कम लोगों में होने वाला एक डिसऑर्डर है, बट ये एक बहुत सीरियस डिसऑर्डर है. मतलब इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, वो इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं कि इट इज़ बीइंग क्लासिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. यहाँ गुलेनबेरी सिंड्रोम में, या जिसको हम शॉर्ट में GBS भी कह सकते हैं, GBS में क्या होता है कि दिस इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो अपने ही बॉडी, मतलब द बॉडी प्रोड्यूसेस सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज जो बॉडी के खुद के नर्व्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड जो नर्व्स डैमेज होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व्स होते हैं. ओके, इफ़ यू रिमेंबर इन अर्लियर क्लासेस वी हैव डेल्ट अबाउट द डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिस बीमारी को हमने कहा था मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ओके, सो व्हेन यू हैव टू डिसऑर्डर्स, टू न्यूरोलॉजिकल और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, वन अटैकिंग द ओन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व्स, देन दैट डिसऑर्डर इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस. एंड दिस वन व्हेन द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अटैकिंग द पेरिफेरल नर्व्स, देन दैट डिसऑर्डर इज गुलेनबेरी सिंड्रोम. ओके, सो ये डिफरेंस है दोनों में. बाकी की चीज़ें ऑलमोस्ट एक जैसी हो जाती हैं, लाइक यू नो व्हाट द नर्व्स डस इन आर बॉडी, वो डिसेबल्ड हो जाता है. ओके, नाउ अगर हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें तो एग्जैक्ट कॉज GBS होने का क्या है, ये अभी भी क्लियर नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एन इडियोपैथिक कंडीशन दैट नोबडी नोज व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज GBS. लेकिन कुछ अनुमान लगाए जाते हैं कि देर कुड बी सम फैक्टर्स विच कैन लीड टू अ GBS इन वन पर्सन, जिसमें सबसे बड़ा कारण है कैंपाइलोबैक्टर. ये जो कैंपाइलोबैक्टर बैक्टीरिया है, ये पाया जाता है अनकुक्ड मीट में से. ठीक है, जो पोल्ट्री डिशेस होते हैं, जो मीट होता है उसमें मतलब उनके उस मीट में रहे अनकुक्ड जो मीट होते हैं, जो वो मीट होता है उसमें कैंपाइलोबैक्टर रहता है. तो अगर वो मीट जो भी व्यक्ति कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो अच्छी तरीके से कुक्ड नहीं है और वो बैक्टीरिया किल नहीं हो पाया है, तो जिस व्यक्ति ने उस सर्टेन टाइप के डिश को अगर कंज्यूम किया, तो उस व्यक्ति की बॉडी में कैंपाइलोबैक्टर एंटर कर जाता है. एंड दैट कैन लीड टू द नर्व डैमेज और फॉर्मेशन ऑफ सच एंटीबॉडीज जो GBS कॉज कर सकता है. इसके अलावा कुछ और इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, साइटोमेगैलो वायरस हो गया, हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस में ACEB, ये हेपेटाइटिस के कंडीशंस में ज़्यादा चांसेस होते हैं GBS के. HIV जो एड्स कॉज करता है, वो भी एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देखा गया है GBS के लिए. माइकोप्लाज्मा निमोने, ये भी एक पर्टिकुलर फैक्टर, मतलब इन ये जब किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को ट्रांसमिट हो जाता है और उनमें एक इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसके बाद देखा गया है कि चांसेस हैं कि GBS भी हो सकता है. तो ये ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. इनके अलावा कुछ हिस्ट्री हो सकती है, लाइक सम जेनेटिकल कॉजेस, सम फैमिली हिस्ट्री, सम हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, प्रायर सर्जरी जिसका आगे चलकर ये कॉम्प्लिकेशन होगा. सर्जरी ऑफ कॉज रिलेटेड टू द नर्व्स. ओके, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल के जो सर्जरीज हैं वो. देर कैन बी ट्रामा दैट इज़ हैपनिंग टू दी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और टू दी पर्टिकुलर नर्व्स. अगर हाथ में, पैर में कहीं भी चोट लगी और नर्व्स डैमेज हो रहे हैं, स्पेसिफिकली क्योंकि हम यहाँ पे पेरिफेरल नर्व्स की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए पेरिफेरल नर्व्स में अगर कोई ट्रामा हुआ है तो दैट कैन ऑल्सो कॉज GBS. ओके, नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट द मैनिफेस्टेशन, द सिम्टम्स जो शो होते हैं. मैनिफेस्टेशंस में देर कुड बी वेरी सिमिलर सिम्टम्स जो हर कोई GBS वाले पेशेंट एग्जिबिट करते हैं, लाइक वो एक स्टडी मूवमेंट, स्टडी पोजिशन मेंटेन नहीं कर पाते, लाइक खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, जो स्टेयर्स होते हैं वो क्लाइम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब चल नहीं पा रहे हैं. देन दे फाइंड डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, दे फाइंड डिफ़िकल्टी इन चूइंग, दे फाइंड डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग, दे हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. मतलब ये सारे वो एक्शंस हैं जो मस्कुलर एंड नर्व इन्वॉल्व एक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं. अगर हम बात करें नमनेस या टिंगलिंग या प्रिक सेंसेशंस की, या नीडल प्रिक सेंसेशंस की, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ फील किया जाता है? इट कुड बी फेल्ट इन फेस, लेग्स और हैंड्स. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस. टोज, एंकल्स, फेस बहुत बाद में, लेकिन पेरिफ्रीज में ज़्यादातर
पहले एक्शंस दिखाई देते हैं बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द पेरिफेरल नर्व्स. ओके, देन वीकनेस तो होता ही है. वीकनेस सबसे ज़्यादा लेग्स में स्टार्ट होके अपर बॉडी की तरफ ट्रांसमिट होता है. ये बाकी अगर आइज की बात करें तो इट कुड स्टार्ट विथ अ डबल विजन. साथ ही साथ क्योंकि हमने कहा कि मास्कुलर एंड नर्व इन्वॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो आई बॉल अगर रोटेट करने की कोशिश करें, लाइक द पेशेंट इज सीइंग द स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, तो ठीक है. लेकिन जब वो वहाँ से लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करेंगे तो वो आंखें मूव नहीं कर पाते हैं, उन्हें दर्द होता है. सो दैट इज़ अ डिफ़िकल्टी इन मूविंग द आई बॉल्स. ओके, सो सीवियर पेन है यहाँ पे. जो पेन का कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पे लिखा गया है, एक ही बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ज़्यादा वीक पेन जैसा. शूटिंग लाइक पेन, बहुत जल्दी जब स्ट्राइक पेन होते हैं, बहुत शूटिंग पेन होते हैं, और क्रैम्पी, बहुत स्पैस्मिक पेन होते हैं. तो ऐसे पेन फील करते हैं पेशेंट्स विद GBS. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस. ऑलमोस्ट ऑल द एक्शंस इन द बॉडी गेट डिस्टॉर्टेड, लाइक आई मूवमेंट्स की बात करी, बबल एंड ब्लैडर की बात करा, च्यूइंग, स्पीकिंग, विजन, मेंटेनिंग अ पोजिशन, टिंगलिंग सेंसेशन. सो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं इन अ पेशेंट विद GBS. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू डायग्नोस द पेशेंट, द डायग्नोसिस में हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन तो हम करते ही हैं, उसके साथ साथ कुछ कॉमन चीज़ें करी जाती हैं सभी तरीके की GBS वाले डाउट पेशेंट्स में. लाइक वन कैन बी यू नो चेकिंग द नर्व्स फॉर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ट्रांसमिट कर नर्व्स का रिस्पॉन्स चेक किया जाता है ताकि पता चले कि नर्व्स उसके पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलस के लिए रिएक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं. सो दैट इज़ नर्व कंडक्शन टेस्ट. वही चीज़ जब मसल में किया जाता है, मसल्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो देखने के लिए, सो दैट इज़ इलेक्ट्रोमायोग्राफी. एंड द कॉमन वन इज़ लंबर पंक्चर. लंबर पंक्चर करके कुछ CSF विड्रॉ किया जाता है. CSF विड्रॉ करके उसमें देखा जाता है कि किसी भी तरीके का इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म या स्ट्रेन्स उसमें पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ the GBS can be diagnosed. Okay, now the management में यहाँ जो दो तरीके का management जो बहुत common, बहुत mainly किया जाता है, that is plasmapheresis and IVIG. plasmapheresis में blood को निकाला जाता है, ठीक है. blood निकालने के बाद उसमें से जो plasma है, जो liquid part होता है जिसमें antibodies होंगे, वो निकाल लिया जाएगा और blood cells वापस transfuse कर दिए जाएंगे ताकि वो एंटीबॉडीज निकल जाएंगे तो वो एंटीबॉडी अटैक नहीं करेंगे. ओके, IVIG साथ साथ किया जाता है कि अच्छे हेल्दी एंटीबॉडीज़ को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज़ करेंगे इंट्रावेनसली बॉडी में. तो आपने ख़राब एंटीबॉडी हटाए प्लाज्मा फेरेसिस के थ्रू और हेल्दी एंटीबॉडीज़ डाले IVIG थेरेपी के थ्रू. तो ये दोनों बहुत इफ़ेक्टिव हैं, एक साथ किया जाता है टू ट्रीट GBS. उसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दिया जा सकता है, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन्स दिए जा सकते हैं, एंड फिजियोथेरेपी दिया जाता है ताकि मसल मूवमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकें एंड बॉडी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेटेड बनाया जा सकें. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट GBS. अगर आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस समझ में आया होगा तो आपको GBS भी एक आइडिया लग गया होगा. स्टिल जस्ट गो थ्रू इट. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.